अगर रात में कोई बीमारी हो जाए तो आदमी मर जाएगा, लेकिन आवन गवन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क बिल्कुल खराब हो गया है। सड़क के बाद क्या बताया जाए भैया, सड़क का हाल बहुत खराब है। मोटरसाइकिल लाने में दिक्कत है, हर गाड़ी लाने में दिक्कत है, पैदलिया आदमी को जाने में दिक्कत है। किसी को इमरजेंसी हो गया था उसके लिए भी जाने के लिए दिक्कत हो जाता है। साइकिल लेके भी पैदल चलना भी मुश्किल है। एक बहन जोन की बा अपना गोद में अपना बेटा का लेके खड़ा भरी, और एक जोन और एक लड़का बा जोन मोटरसाइकिल से जा रहा, लेकिन वो मोटरसाइकिल कभी भी गिर सकता, मुंह से ही आवाज आई लो बड़ा दशा बा। राजा बोले कि देखा था नहीं अपन भोजपुरी चैनल झलको चंपारण। अगर अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाई। अभी हम पहुंच चुका बने बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के चैलाहा चौक से, जवन रक्सौल खातिर रास्ता जा रहा बा उस सड़क पर हम बनी। इस चैलाहा से रक्सौल के मुख्य मार्ग बा, अभी जवन की सड़क की स्थिति बा वो बिल्कुल बुरा हो चुकल बा। अभी और क्षेत्र के विकास के सबसे पहले का अपने के बात बताए कि क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास बा कि आज भी लोग के जीप से जवन की बा मोतिहारी जाए के पड़ता। तभी जनता से बात कर ली, जनता से बात करे के पहले एक बार और नजर डाल दी कि एक बहन जोन की बा अपना गोद में अपना बेटा का लेके खड़ा भरी, और एक जोन और एक लड़का बा जोन मोटरसाइकिल से जा रहा, लेकिन वो मोटरसाइकिल कभी भी गिर सकता। हम सभी मिलके यही कह सकते हैं, और हम सभी के विचार यही है, और एक शुद्ध विचार भी हर इंसान के जहन में आना चाहिए। आज के राजनीतिक जो मैटर है उसके हिसाब से जो लोगों की मानसिकता जो पोलराइज हो जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि मामला छिन्न भिन्न हो जा रहा है। और ये सड़क के मामला की बात है, इसके ऊपर भी बहुत सारी बात जा सकती है कहने के लिए, लेकिन सर ये भी है कि यहाँ से नकरदेही तक रोड अगर बेहतर हो जाए, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, और इससे मैं आगे कुछ नहीं कर। सड़क के तो भैया निर्माण में भगवान की कृपा ना। जी जी, मुंह से ही आवाज आई लो बड़ा दशा बा, लेकिन दशा बा का है, दशा बा का है, वो दशा ऐसे बा कि आज बिहार का जो सरकार बा ये डबल इंजन के सरकार बा, लेकिन डबल इंजन में ये जो जनता बा वो पेरा रहल बा, जनता के साथ में कोनो विकास के काम नहीं। जब विकास के काम होते रही तो शायद इस सड़क के दशा ही ना रही। बताओ चाचा, तुम बताए कुछ सड़क के बारे में। रास्ता बहुत डेंजर हो गया बा, बहुत दब बा, विकास होके के चाहिए। कहाँ घर पड़ी रहो? घर पड़ी हमें कुमारी देवी चौक। कुमारी देवी चौक अभी जा कहाँ रहो? सिसवानी है। तो अपने जाए मैम तब तक पूरा और दशा हो जाए। सड़क के बाद क्या बताया जाए भैया, सड़क का हाल बहुत खराब है। मोटरसाइकिल लाने में दिक्कत है, हर गाड़ी लाने में दिक्कत है, पैदलिया आदमी को जाने में दिक्कत है। घर पर घर जटवा पड़ी जटवा जनरवा स्थिति बहुत दिन से 6 महीने से खराब है। हम लोग को 6 महीने हर हमेशा खराब रहता है, दिन आने जाने का ही प्रॉब्लम रहता है, और उसका बाढ़ आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। आने जाने के लिए भी किसी को इमरजेंसी हो गया था उसके लिए भी जाने के लिए दिक्कत हो जाता है। और क्षेत्रीय विधायक जी क्या कर रहे हैं सड़क के निर्माण? विधायक जी कहाँ कुछ कर रहे हैं? विधायक जी तो सिर्फ कर रहे हैं हो जाएगा, कहाँ कुछ हो रहा है, आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, वही दूसरा क्या, रोड स्थिति खराब है तो वहाँ ना देखना चाहिए उन लोग को, जहाँ चेवर में ब्लॉक बना हुआ है, बाढ़ से पूरा भरा हुआ है, रोड नहीं बनेगा तो कैसे लोग आएगा जाएगा, यही दिक्कत है। हम लोग चैलाहा से रक्सौल के लिए जो रोड जा रहा है, हाँ। इस रूट में कितने पंचायत है लगभग आपको मालूम है? 13 पंचायत है। 13 पंचायत, हाँ, 13 बंजरिया में पड़ेगा, उसके बाद अभी अलग पंचायत है। 13 हाँ। पंचायत के लोग यहीं पे आते हैं। हाँ, यहीं पे आते हैं। यही सड़क है। हाँ, यही सड़क। लेकिन 6 महीने से तो अधूरा चल रहा है। सब वही है। अगर कोई कागज पत्र का काम करवाना, हॉस्पिटल कुछ नहीं होगा इस समय, कहाँ ब्लॉक तो चला गया टाउन में। अच्छा, यहाँ कहाँ बंद है? बिल्कुल बंद है पूरा, बाढ़ के सीजन में हमेशा बंद रहता है। सोच के नहीं बताया, 6 महीना बताए चाचा जी, 6 महीने बंद रहता है। आदमी के जो है अगर रात में कोई बीमारी हो जाए तो आदमी मर जाएगा, लेकिन आवन गवन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क बिल्कुल खराब हो गया है, 4 महीना 6 महीना तो बिल्कुल बंद ही रहता है सड़क। कहे नहीं आप लोग आवाज उठाते हैं कि सड़क ऊंचा करके बनाएं? आवाज उठाते हैं, हर साल आवाज उठेगा, वही दिक्कत है। आवाज उठेगा सिर्फ वोट के टाइम, बस वोट आएगा बन जाएगा, आज तक नहीं बना। बहुत सड़क खराब है, एकदम जाने वाला भी रास्ता नहीं है, ब्लॉक क्या चलेगा। अच्छा, कितने दिनों से पानी यहाँ मतलब आया होगा? 1 महीना से, अभी थोड़ा कम हुआ है। मतलब अब बहुत परेशानी है, सुविधा है या अभी भी बहुत परेशानी है? साइकिल लेके भी पैदल चलना भी मुश्किल है, मतलब कभी भी गिर सकते हैं। देखिए सर, हमको यही कहना है सर, या नीतीश बाबू हो या कोई भी हो या डॉक्टर समीम अहमद हो, उनसे गुजारिश है जो रोड के बढ़िया खूबसूरत बना दिए जाए, इसलिए 13 पंचायत के जनसंख्या को
आने जाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए इन लोग का कोई सांसद हो या विधायक हो कोई का माने ध्यान वान नहीं है इस रोड पर वगैरह। या ब्लॉक हो, ब्लॉक 6 महीना बंद रहता है, 6 महीना खुलता है, तो 6 महीना बाढ़ आता है, 6 महीने के अंदर में बंजरिया वहाँ स्टेशन के पास ब्लॉक है, वहाँ आने जाने में परेशानी भी है, डेंगू भी चलता है, तो इसलिए डेंगू जनसंख्या से डेंगू वाला भी लोग किराया लेता है, 100 रुपये 50 रुपये मोटरसाइकिल से जाता है उसका भी किराया ले लेता है। जहाँ से परेशान बा जनता दूसरा नंबर स्टूमर आया था, स्टूमर भी माने टाइमली मरीज के लिए पहुँचता नहीं है उधर, मरीज वैसे ही छटपटा के मर जाता है उधर ही, मतलब दिखावा डेट कर देता है। जी दिखावा के लिए सीओ साहब हैं, पैसा पॉकेट में रख लेते हैं, दिखावा के लिए कमा लेते हैं, वही सब तो बात है सर। 20% काम दिखाई दे रहा बा और 80% जोन की काम बिल्कुल अधूरा बिन पड़ल बा। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ विकास एक दिखाई देता तो सामने वाला जोन ब्लॉक बा वो एकदम रंग पेंट पोचारा से एकदम चमक रहा बा, लेकिन ओकरा बगल वाला जोन सड़क बा इस सड़क के आज तक रंग और पेंट पोचारा नहीं कर। रास्ता में बहुत सारा यात्री पड़ाव बनल बा, लेकिन यात्री पड़ाव से का फायदा, महल रहला से का फायदा जौना में ओमे आदमी ना रह सके। अगर महल बा तो अगर आदमी निवास ना करे तो महल जोन की बा बोला बिल्कुल भूत बंगला के तरह दिखाई देवेला, लेकिन अगर इस सड़क बाटे तो सड़क अगर बढ़िया ना रहे तो फिर ऊपर यात्रा कैल कौन फायदा बाटे। बगल में भी देख सकते नहीं कभी गाड़ी फसल बा तो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के चैलाहा से रक्सौल जाए वाला मुख्य मार्ग बाटे, जहाँ पर अभी देख सकते नहीं कि पीछे स्कॉर्पियो, ओकरा पीछे कुछ लोग, ओकरा पीछे टेम्पू जोन की बा लाइन में लगल बा इंतजार कर रहा बा कि एने के लोग जब निकल जाए तो एने से हमनी के अपन गाड़ी लेके जाए के कोशिश करब सर। लेकिन बात यही बा मिला जुला के कि सरकार देख रहा बा, लेकिन देख करके भी सरकार ये चीज़ के बना नहीं कर रहा। 10 आदमी से बात करे के आदमी कोशिश कर, लेकिन 10 आदमी में 8 आदमी जोन की बा बिल्कुल हमनी से बात बतावे में न कर रहा बा, लेकिन 2 आदमी जोन आदमी बा वो हमारे से बात बताए। लेकिन हम अपने से बोल के चल जाए, काहे कि हमारा क्षेत्र बा, हम बिहार के निवासी बानी और बिहार के पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में हमार ये चैनल बा। पूर्वी पश्चिमी चंपारण के ही जनता खातिर चैनल बनल बा। चैलाहा से रक्सौल जाए वाला रोड के हालात हमने देख सकता नहीं, अभी हम सड़क के माध्यम से अपने के लेके आवता नहीं, तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाई, फेसबुक पर जाके फॉलो कर सकता नहीं, लाइक कर सकता नहीं, और अपने के क्षेत्र में ऐसा समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बतावल जाओ और न्यूज़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि सड़क बा बहुत ही सड़क में जितना भी आगे जाए बहुत सारा ऐसा पंचायत बा जोन पंचायत मोतिहारी से जुड़ल बा, ये ब्लॉक में भी आए वाला बा, लेकिन सड़क नहीं के जाने के चलते पंचायत के 80% ऐसा लोग बा जोन बाहर कोनो भी कागज पत्र के काम से जाए से डर रहा बा।